तो हेलो गाइस, मैं हूँ समीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल टाइप टिप्स। तो गाइस, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फाइनली लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट आ चुका है। तो गाइस, जो भी इसमें आवेदन करना चाहता है वो कर सकता है। ओके, इस वीडियो में गाइस बताऊंगा आप लोगों को आवेदन करने की डेट क्या है और आवेदन आप कब तक कर सकते हो, एंड डेट क्या है, एवरीथिंग जानेंगे गाइस इस वीडियो में डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस बता दूँ आप लोग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो आने वाली आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। तो गाइस, यहाँ पे इन्होंने दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट AHC लॉ क्लर्क ट्रेनिंग 2023। ठीक है, डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पे गाइस। इंपोर्टेड डेट जो इन्होंने दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करने का जो डेट है गाइस, यहाँ पे 10/5/2023 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने का जो डेट है गाइस, 24/5/2023 तक आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो गाइस आप। ओके, यहाँ पे गाइस एग्जाम पे फी लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने गाइस 24/5/2023 रखा गया है। एग्जाम डेट की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे 4/6/2023 यानी 4 जून एग्जाम डेट यहाँ पे रखा गया है। एडमिट कार्ड यहाँ पे इन्होंने गाइस बिफोर एग्जाम रखा गया है। ओके, अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फी की। तो गाइस एप्लीकेशन फीस में गाइस यहाँ पे जनरल OBC EWS वालों के लिए 300 रुपये रखा गया है, SC ST वालों के लिए भी 300 रुपये रखा गया है। पेमेंट मोड में गाइस आप लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट जो दिया गया है गाइस, यहाँ पे मिनिमम एज जो है 21 साल रखा गया है, मैक्सिमम एज जो है गाइस 26 साल रखा गया है। ओके, तो बढ़ते हैं गाइस आगे। जो गाइस इन्होंने दिया है यहाँ पे वैकेंसी डिटेल, तो गाइस वैकेंसी डिटेल में पोस्ट नेम जो गाइस ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, लॉ क्लर्क ट्रेनिंग। ओके, पोस्ट का जो नाम था लॉ क्लर्क ट्रेनिंग, टोटल वैकेंसी 32, इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ क्लर्क एलिजिबिलिटी गाइस जान लेते हैं हम लोग। बैचलर डिग्री इन लॉ LLB 3 ईयर्स, 5 ईयर्स विथ मिनिमम 55 मार्क्स। एक तरफ गाइस यहाँ पे LLB फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट वालों के लिए भी ऑल्सो एलिजिबल रखा गया है इन लोग। अगर गाइस LLB फाइनल ईयर में आप हो तो गाइस ये रिक्वायरमेंट के लिए आप एलिजिबल हो। तो गाइस अब लेके चलता हूँ मैं आप लोग को अप्लाई मोड पे। ओके, डिस्क्रिप्शन में गाइस मैं आप लोग को अप्लाई करने का जो लिंक है वहाँ पे मैं दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई मोड पे आ सकते हो, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे गाइस आप लिंक को ओपन करोगे गाइस, फाइनली आपको एक ऐसा वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलते ही गाइस आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करोगे गाइस आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड पे क्लिक करोगे फाइनली आपका पेज खुल जाएगा फॉर्म भरने का। ओके, तो गाइस यहाँ पे फॉर्म भरने का सबसे पहले इन लोग पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं, तो गाइस आपको पर्सनल डिटेल में टोटली आपको भर देना है। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल मांग रहे हैं, फिर यहाँ पे गाइस एजुकेशन डिटेल। ओके, एजुकेशन डिटेल के बाद यहाँ पे गाइस आपका ग्रेजुएशन डिटेल, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल, कंप्यूटर नॉलेज, लॉ डिटेल, एवरीथिंग गाइस जो भी इन लोग यहाँ मांग रहे हैं आप लोग को सब यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन सबमिट, सबमिट करते ही गाइस आपका जो ऑनलाइन आवेदन भरने का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा गाइस। ओके, इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ये वीडियो शेयर करो, ताकि गाइस जिसको इस रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, जिसको इस रिक्वायरमेंट की इंतजार था, उस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए गाइस, ताकि वो इस आवेदन को भर सके। और एक बात गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि गाइस आने वाली वीडियो इसी प्रकार की आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।